कहते हैं किसी भी शादी में सबसे ज्यादा पूछ परख दूल्हा दुल्हन की होती है, लेकिन शहनाज की शादी में तो उनकी भारी वाली चौप हो गई। दूल्हा बनने आए लड़के ने ही शहनाज की ऐसी भारी बेइज्जती कर दी कि शहनाज का मुंह खुला का खुला ही रह गया। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि फिलहाल शहनाज एक रियलिटी शो में अपने लिए दूल्हा ढूंढने की एक्टिंग कर रही हैं। इस शो में शहनाज काफी लाउड भी हैं और वो अक्सर कंटेस्टेंट्स पर अपना गुस्सा भी निकालती हैं। लेकिन ऐसे में एक कंटेस्टेंट पर गुस्सा निकालना शहनाज को भारी पड़ गया जब शहनाज से शादी करने आए लड़के ने उनके मुँह पर साफ साफ कह दिया कि आप तो मुझे पसंद ही नहीं। वेल, तो पूरा मामला क्या है आपको क्विकली समझाते हैं। दरअसल शो के अपकमिंग एपिसोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें शो के कंटेस्टेंट मयंक अग्निहोत्री और शहनाज गिल के बीच जमकर बहसबाजी होती है और फिर इस बहसबाजी के बाद मयंक शहनाज की चॉप कर देते हैं, ये कहते हुए कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। वेल, वीडियो में दिखाया गया है कि एक टास्क के दौरान मयंक को एक कंटेस्टेंट घमंडी बताता है, जिसके बाद मयंक का गुस्सा बढ़ जाता है और वो शहनाज पर बायस होने का आरोप लगाते हैं। इस पर शहनाज गुस्से से लाल हो जाती हैं और मयंक की जमकर क्लास लगाती हैं। शहनाज ने मयंक पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे बायस नहीं बोल सकते क्योंकि तुम पहले अपनी कोशिश करो, मैं अगर बायस होती तो किसी को पता नहीं चलता। शहनाज ने कहा कि यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी मत करो। इस पर मयंक ने कहा कि मैं कॉन्ट्रोवर्सी नहीं कर रहा। मयंक की बात सुनकर शहनाज भी आग बबूला हो जाती है। इसके बाद मयंक शहनाज को जवाब देते हैं, क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं आई। मयंक का जवाब सुनकर शहनाज थोड़ी हैरान हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद बोलती हैं, डोंट बी सो ओवर स्मार्ट। पर आपको बताना चाहेंगे कि शहनाज और मयंक के बीच ये टक्कर पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी दोनों के बीच ऐसी लड़ाई देखने को मिली थी जब डेट पर जाने के लिए शहनाज द्वारा एक टास्क दिया गया था। उस वक्त मयंक ने लड़कियों की तरह मेकअप करने और कपड़े पहनने से इनकार कर दिया था और इसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस हुई और अब मयंक और शहनाज के बीच हुई तू तू मैं मैं से भरा ये प्रोमो वीडियो खूब वायरल हो रहा है। देखना रहेगा कि इनके इस झगड़े का क्या अंजाम होगा। वेल, अगर आपने भी ये वीडियो देखा है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपका रिएक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।